तो दोस्तों ये है गौशाला और ये गायें हैं। एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गाय है एक, और ये गाय है, तो ये सब गायें हैं। ये देख सकते हैं, एक गाय ये है। अगर कोई बच्चा अगर अपनी पैतृक जमीन पर खेती करना चाहता है तो उस बच्चे की शादी उस क्षेत्र में, क्या पूरे क्षेत्र में कहीं से उसको लड़की मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी एक लड़कियों की भावना होगी, चाहे कुछ भी हो, पोलोथीन में चाहे वो 1 किलो आटा ले जाए, पर रहेंगी बाजारों, बाजार पे डिपेंड है कि चलो हल्द्वानी रहे, अल्मोड़ा रहे, कि दिल्ली रहे, कि बॉम्बे रहे। भाई ख़त्म हो चुका है समाज के अंदर। आज आप गांव में जाइए, कोई सयाना कोई छोटा बच्चा सयाने को सयाना नहीं समझ रहा। तो एक दौर हुआ करता था, हम जब स्कूल पढ़ा करते थे, अगर हमारे गुरुजी इस रास्ते जा रहे तो हम उस रास्ते जाते ही नहीं थे। तो आज समय आ गया, गुरुजी जो है बच्चे को जो है उससे एंजॉय ले रहे हैं, बच्चा गुरुजी से एंजॉय कर रहा है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज तारीख है 6 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों बीच में मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, उसका एक कारण था। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं कुछ इस तरह की वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं उन लोगों को कवर कर सकूं जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो लेकिन दिक्कत यह थी कि उसमें मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा था, उसके लिए मेरे पास नहीं था टाइम, क्योंकि मैं घर में रह जाता हूँ होम स्टे के कारण। कई बार गेस्ट आते थे, उनके साथ रहना पड़ता है, तो इस वजह से वो आइडिया मैंने जो है ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने वापस ब्लॉगिंग शुरू की है 2-4 दिन से, तो मैंने सोचा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो ऐसे लोगों के पास जाऊँगा जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आज इस कड़ी में मैं जा रहा हूँ ताकुला बसोली। एक मित्र हैं हमारे रॉय नेगी, तो उनके साथ जा रहा हूँ। मौका लग गया और आज मुझे अवकाश भी है, मतलब समय भी है, तो बढ़िया से उनको कवर करते हैं। काफ़ी लंबे समय पहले शायद 2019 में एक छोटी सी मुलाकात मेरी मोहन सिंह नंगवाल जी से हुई थी, तो आज कोशिश रहेगी कि उनका जो कामकाज है उसको आपको दिखाएं। और एक तरह से कोई स्वरोजगार के क्षेत्र में, खासकर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में या फिर गौ पालन के क्षेत्र में, डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है तो उसको एक उससे आइडिया मिल जाए और एक उत्साह भी हो जाए और थोड़ा बहुत एक मार्गदर्शन जो होता है वो मिल जाए। तो फिलहाल अपने गाँव में हूँ और जा रहा हूँ धीरे धीरे सड़क की तरफ। यहाँ से बाइक से जाएंगे हम ताकुला बसोली, यानी कि सोमेश्वर से बसोली की ओर। तो जुड़े रहिए, मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं मैं पाथली बगड़, और यहां से एक सड़क जाती है बसोली के लिए। तो रॉय भाई पीछे बाइक में है, देख सकते हैं आप, सोमेश्वरी मिल गया था। यहां एक बढ़िया मतलब नदी जा रही है नीचे को, कोसी, तो काफ़ी सुंदर व्यू है। तो यहां से मैंने सोचा कि एक व्यू आपको दिखा देता हूं, तो दिखाता हूं आपको। ये है पुल जिसमें मैं खड़ा हूँ, और ये देखिए ये नीचे कोसी नदी बह रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वाह, दो चट्टानों के बीच में देख सकते हैं, बहुत साफ नदी एकदम बह रही है और ऊपर से सोमेश्वर से बहती हुई आ रही है यहाँ से। तो है ये रॉय भाई हैं, इनका भी डेयरी का काम है, गौ पालन का काम करते हैं, तो इनसे भी आपको मिलाया जाएगा, आज नहीं किसी और दिन, आज मोटा मोटा मिल लीजिए इनसे। कबीर सिंह, सस्ते कबीर सिंह है ये। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बसोली में, ताकुला बसोली में अभी हम हैं, और जहां पर उनकी डेयरी है उसी जगह पर हम खड़े हैं। पीछे मेरे गौशाला है बहुत बड़ी, और आगे गायें बंधी हुई हैं। तो जो डंगवाल जी थे उन्होंने एक दूसरा काम 2-3 साल पहले से शुरू कर दिया है, वो एक तरह से जो बनियागिरी होती है, जो लाला लोग होते हैं वो बन गए हैं, अभी लाला बन गए हैं बड़े वाले। तो काफ़ी बड़ी उनकी शॉप है ऊपर, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बहुत बिजी हैं इस वजह से वो नीचे आए नहीं है। तो मैं आपको गाय वाय दिखा देता हूँ, बाकी यहाँ से जाने के बाद उनसे आपकी बातचीत कराई जाएगी, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी। मेरे साथ रॉय भाई हैं, और गाय मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उन्होंने गायों का जो है पालन कर रखा है। तो दोस्तों ये है गौशाला और ये गायें हैं, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गाय है एक, और ये गाय है, तो ये सब गायें हैं, ये देख सकते हैं, एक गाय ये है और इनकी बछिया भी हैं, ये देखिए दोस्तों। करीब 20 गायें इनके अभी जंगल गई हुई हैं, और बाकी जो है यहाँ पे बधी हुई हैं, ये छोटी छोटी बछियाँ आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, काली भूरी लाल तरह तरह की गायें इनके पास हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से होलिस्टन इसको कहते हैं, ये थोड़ा गिर की नस्ल लग रही है ये वाली, और ये बछिया बहुत सुंदर लग रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने ड्रम काट के उनके चारे के लिए बना रखा है, चारा खाने के लिए ड्रम काट के बना रखा है। और इस गाय की सींगें देखिए, एकदम
देसी गाय है। तो काफी सारी गायें ने यहाँ भी बांध रखी हैं और कुछ गायें इनकी अभी जंगल गई हुई हैं। करीब 20-22 गायें ये बता रहे हैं कि इनके पास इस वक्त हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। अंदर का भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये है गौशाला जहाँ पे गाय बांधते हैं अंदर। तो अंदर क्या सिस्टम बना रखा है ये देखिए। अंदर बहुत बड़ा हॉल सा है। नीचे इन्होंने बेड बिछा रखे हैं प्लास्टिक के मैट टाइप की, मोटी मोटी जो मैट्स होती हैं। और ये जो इनका खाने का, जो गाय जो खाती हैं उसके लिए जगह। तो काफ़ी सुंदर काम कर रखा है, काफ़ी बड़ा काम कर रखा है एक तरह से। काफ़ी अनुभव भी हो गया है। यहीं पे एक पानी की टंकी बना रखी है छोटी सी, ये देखिए। अब मैं ऊपर जाऊंगा और डंगवाल जी से बातचीत करूंगा। एक यहाँ पर है इनका गौशाला, एक यहाँ पे है, दो गौशाला हैं। रॉय जी हमारे साथ है। रॉय भाई कैसा लग रहा है? बहुत तगड़ा। कैसा लग रहा है आप, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, थोड़ा आपका कम गाय है लेकिन भविष्य आपका भी ऐसा ही है, तो कैसा लगा इनको देख के? बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है। तो ये चारा काटने की मशीन है, काटने वाला देखो ना। ये मिल्किंग मशीन है क्या? मिल्किंग है ना। एक ये बना रखा है जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो तो छोटा था, ये और बड़ा है। तो एक टाइम था कि इनके पास 55-60 गायें थी, अभी इनकी गायें हो गई हैं करीब 20-22 गायें इस वक्त इनके पास हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा है, 20-30 गायें यहाँ पे आराम से आ सकती है मेरे ख्याल से। इसमें भी इन्होंने बेड बना रखा है, लाइट वाइट जलाई नहीं है यहाँ पे, तो कोई है भी नहीं। तो इस तरह से है। अब ऊपर हम जाएंगे डंगवाल जी के पास और उनसे कुछ बातचीत की जाएगी। मुझे उम्मीद है उनसे बातचीत करके आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं बोल रहा था कि अब डंगवाल जी काफ़ी समय पहले से यहाँ के काफ़ी बड़े वो हो गए हैं, एक तरह से व्यवसायी हो गए हैं, लाला जी बन गए हैं। तो डंगवाल जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे और सोमेश्वर घाटी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नया काम आपने शुरू कब से किया है? अभी मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो इस काम, वैसे मुझे मालूम नहीं था कि आपका ये अभी ये व्यवसाय शुरू हो गया करके, तो मैं तो डेयरी के लिए आया था। तो डेयरी के बारे में पूछता हूँ, डेयरी को आपका ये जो नीचे डेयरी है उसको कितना टाइम हो गया अभी? सर डेयरी है हमारी तो 1999 से चालू है। 99 से? जी जी। अच्छा, पिताजी ने आपकी, मतलब ताऊजी जो हमारे? ना 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 ना, वे हमें मेरे द्वारा की गई है। अच्छा अच्छा। आपके तो पहले भैंसों का किया गया था, तो अब जो है गायों का, जो है इस पे गायों का चल रहा है। भैंसों का कितना समय तक किया आपने? भैंसों का तो 2 साल रहा होगा। 2 साल नुकसान का काम रहा था, नुकसान घाटा दिया उन्होंने, तो उसके बाद गाय आ गई। उसके बाद गाय, तो अभी तो काफी गाय हैं, कितनी हैं? बीच में तो 57 गाय हो गई थी, तो लॉकडाउन में कुछ गाय निकाल दी है। जब मैं 2019 में आया था तब मेरे ख्याल से आपके पास 40-45 गाय थी, तभी मैं आया था एक बार। तो ये बताइए कि गाय आपके पास तो बहुत सारी हैं, लेकिन कई लोग जैसे नए लड़के हैं या फिर नए नहीं है, फिर पुराने भी हो गए, कुछ 30-35 साल के युवा हैं, वो एक या दो या तीन गाय से शुरू करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह दोगे आप? सलाह है, मैंने भी 2 गाय से ही शुरू किया। अच्छा, तो 57 तक पहुंचा था, ज्यादा होने की सोच रहा था कि और ज्यादा हो जाए, पर इतना हो नहीं पाया, मैनेजमेंट इतना था नहीं मेरे पास। तो 57 पे फिर मैं 40 गाय की ओर आया, तो 40 पे ठीक चल रहा है। 40 पे सही चल रहा है। तो ये बताइए कि जो नए हैं उनको क्या सलाह दोगी? आज की परिस्थिति को देखते हुए रोजगार है नहीं, ठीक है, तो स्वयं का रोजगार करना है तो गाय के साथ अपनी खेती बाड़ी, बैकयार्ड पोल्ट्री, गोटरी, फिशरीज, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने साथ जोड़ते हुए वो काम किया जाए, और हमारे पहाड़ में शुद्धता का भोजन जो है लोगों को दिया जाए, तो इससे आदमी आगे बढ़ सकता है। अभी आपसे पहले, मतलब जब ऑफ कैमरा वाली बातचीत हो रही थी, तो आपने एक पॉइंट है अध्यात्म, उस पर काफ़ी जोर दिया कि व्यवसाय के साथ आप अध्यात्म के साथ चलिए तो ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। व्यवसाय के साथ अगर हम अध्यात्म को जोड़ते हैं तो हमारी सेवा भाव आनी चाहिए। तो एक होता है जिसे आज की डेट में लोग धंधा कहते हैं, तो धंधे वाले सब ना नहीं हुए। तो धंधे में क्या होता है ना, आदमी 100 लगाता है तो वो कहता है कि शाम को 1000 आ जाए। सेवा भाव में आदमी एक तो मिलावट खोरी नहीं करता है, दूसरा क्या है, किसी भी आदमी किसी को भी कोई चीज़ देता है तो वो प्योरिटी के हिसाब से देता है, और उसका जो मेहनताना है वो उसका लेता है, तो वो सेवा भाव।
तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब सेवा भाव से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो अध्यात्म को आप इस तरह से देखते हैं इसमें? अध्यात्म का मतलब यह है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं वो सब ईश्वर की ही सेवा है। कि अगर हम किसी को, किसी बच्चे को दूध पहुंचा रहे हैं, किसी बच्चे तक दूध पहुंचा रहे हैं, वो भी एक सेवा का काम है। किसी मरीज को हम दूध पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक सेवा का काम है। किसी बीमार को अगर हम अच्छी सब्जी खिला रहे हैं तो वो भी एक सेवा का काम है। अभी हमारे पहाड़ों में हो क्या रहा है कि सारी चीज़ें तराई से आ रही हैं, और तराई से जो भी चीज़ें आ रही है वो मिलावट से परिपूर्ण है, पूरा मिलावट ही मिलावट है। और जिस पहाड़ में शुगर नाम की चीज़ नहीं होती, जो अमीरों की बीमारी कहलाती थी, वहाँ जो जो लगभग 60% यहाँ पर शुगर पेशेंट पैदा हो रहा है। रियर ऑफ द रियर केस जो है हार्ट पेशेंट के होते थे, अब वो उसकी भी परसेंटेज बढ़ते जा रही है। तो ये एक बड़ा दुखद है। आपके कहने का मतलब कि खान पान में बहुत बदलाव हुआ है? हम अपने जो हमारा जो पहले का जो खाना पीना था वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हम डबल रोटी, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर और ये केक, मोमोज, या फिर वो देख लीजिए कि जो अनाज भी आ रहा है वो भी एक तरह से काफी, हाँ, जो हमारा अनाज था, हमारा घर का जो बीज था वो तो आज नष्ट हो गया। जैसे पहले हमारे चावलों में चावल हुआ करता था, मान लीजिए आप भी बर्रा घाटी से हैं तो थापचिनी एक बहुत अच्छा चावल, अभी चलता है, टाइचून हुआ करता था, ठीक। तो आज एसेंस के नाम से चावल लगाया जा रहा है, तो उसमें जेनेटिक परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो उसका भी एक कारण ये है। दूसरा क्या ना, यूरिया, डीएपी ये आम आदमी तक पहुंच चुका है, पहले इसका इतना क्रेज था नहीं। तीसरी चीज है जो हमारी जो मेन चीजें थी, मडवा, घौत, भट, मादिरा, इस चीज को हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इसको हम छोटे लोगों का भोजन समझते हैं, तो आज इसे बड़े लोग खा रहे हैं। हमसे बड़े जो है पहाड़ों से वो कह रहे हैं कि लाओ भाई हमें दे दो, ठीक। फिर भी पहाड़ी आदमी सस्ते रेटों में दे रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। खान पान हमारा खराब हो गया, पानी अशुद्ध हो चुका है हमारा, तो ये एक बहुत बड़ा कारण। कई बार जैसे आपने भी किसानी के क्षेत्र में भी काम किया, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पहाड़ों में ना जो किसान हैं बहुत कम जमीन है, लिमिटेड जमीन है उनके पास, और एक तरह से वो उस पर काम करते हैं तो उतना आमदनी नहीं होता तो छोड़ दे रहे हैं, अब खेत बंजर हो गए हैं, तो ये एक तरह से कैसे उसे डील की जाए कि कम जमीन में एक बढ़िया पैदावार हो जाए? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट की उससे हो सकता है, गवर्नमेंट एक ऐसा नियम निकाले कि भाई जो लोग बाहर बस गए हैं, जिनकी खेती यहाँ पर बंजर है, तो जो यहाँ पर काश्तकार है उन्हें दिया जाए। ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर ऐसा भी नहीं करती है, गवर्नमेंट एक पैच वाइज वर्क तो करवा सकती है। कि एक पैच का मतलब यह है कि चकबंदी सिस्टम है, ठीक, आपकी जमीन टुकड़ों में ना होगी, एक जगह पर आपको एकत्रित जमीन मिल जाए, तो वो भी कर सकती है। पर अभी तक गवर्नमेंट का इस ओर भी कोई रुझान नहीं है। जंगली जानवर भी एक बहुत बड़ा किसान है। जंगली जानवर देखिए, उसका भी मेन कारण शायद ही किसान रहा है, ठीक। इस दुनिया में संघर्ष तो होता रहा है, आज भी संघर्ष है और कल भी संघर्ष रहेगा, और आने वाले समय में भी संघर्ष, हमारे पूर्वजों ने पहले भी संघर्ष किया है। तो उसका कारण क्या है ना, अब तादाद तो इनकी बढ़ चुकी है, एनिमल्स की, जितनी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उसमें क्या है ना, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं। अब मान लीजिए एक पूरे क्षेत्र में 20 नाली क्षेत्र में आपकी दो नाली उपजाऊ क्षेत्र है, तो वो सारा एनिमल उसी पे आना है, कीट पतंगे उसी पे आना है, तो किसान को नुकसान हो रहा है, इस कारण भी छोड़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, किसान ये जो एक किस्म का एक दीमक लग चुका है जब भूमि पे, किसानी भूमि पे एक दीमक कहेंगे हम इसको, कि खेत को बंजर करना। कि मान लीजिए ऊपर वाला खेत आपका है, नीचे वाला मेरा बंजर है, और उसके बीच वाला फिर बंजर है, तो अब जो आवारा पशु भी है सपोज करिए, तो वो अगर जाता है तो वो सोचता है मेरे घर मेरा क्या हो रहा है, कुछ नहीं, तो जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसकी भी फसल नष्ट। कहने का मतलब कि एक खेत बंजर होता है उसके कई सारे नुकसान होते हैं। हाँ, एक दीमक है, तो इस ओर भी गवर्नमेंट को अपना रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि खेती कभी भी नुकसान का काम हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज बहुत सदियों से खेती करते हुए आ रहे हैं, आज तक हम खेती पर ही निर्भर रहे हैं, तो अचानक से वो घाटे का सौदा तो नहीं हो सकती, मतलब ही नहीं होता इसका। तो उत्तम खेती मध्यम बांध कहा गया, ठीक है। तो खेती सबसे उत्तम, जो आज भी अगर उसे कोई सेवा भाव से देखे तो खेती सबसे उत्तम है, ठीक। नौकरी तो नौकरी है सर, ठीक। नौकरी जो मुझे 1,00,000 रुपए दे रहा है वो मुझसे 10,00,000 कमाएगा तब मुझे 1,00,000 रुपए देगा। पर खेती तो अपनी ऐसी है कि जब खेत लहलाते हैं
तो जो आत्मा में जो एक संतुष्टि प्राप्त होती है वो कई लाख करोड़ रुपए से नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो खेती तो खेती है, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो हमारी खेती अच्छी है। बिल्कुल। अगर मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, मेरे पास करोड़ों की माया पड़ी है, तो मुझे उस खेती से क्या करूँगा, उस पैसे से क्या करूँगा जो मुझे मल्टीनेशनल कंपनियाँ मान लीजिए मुझसे 16 घंटा वर्क कराती हैं, 2 लाख रुपए देती है और एक किस्म की जेल होती है मेरे लिए, और मेरा लाइफ अगर उससे 40 साल डाउन हो रहा, तो उस खेत उस नौकरी से कोई फ़ायदा नहीं है। इस ओर भी कुछ बच्चों का रुझान जा रहा है किसी की ओर, कृषि की ओर, परंतु अब यह है कि सरकारें और समाज, समाज भी एक बहुत बड़ा विकृत हो चुका है। जिस आज कोई बच्चा अगर काम करने को तैयार है खेती का, तो लड़कियां उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट आपने बहुत एक तरह से पिछले 10-1 साल में तो बहुत समस्या आई है, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। अगर कोई बच्चा अगर अपनी पैतृक जमीन पर खेती करना चाहता है, तो उस बच्चे की शादी उस क्षेत्र में क्या पूरे क्षेत्र में कहीं से उसको लड़की मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी एक लड़कियों की भावना होगी, चाहे कुछ भी हो पोलोथीन में, चाहे वो 1 किलो आटा ले जाए, पर रहेंगी बाजारों, बाजार पे डिपेंड है कि चलो हल्द्वानी रहे, अल्मोड़ा रहे, कि दिल्ली रहे, कि बॉम्बे रहे, और वहाँ उनकी दुर्दशा है, ये है एक किस्म की जेल है उनको, पर उन्हें क्या है कि आराम से जीवन की पति कमा के लाए और वो खाएं। और दूसरा क्या है कि शिक्षा का स्तर, जब ये एक कारण ये भी रहा है इसका, हर बच्चा जो है पढ़ा लिखा हो गया, परंतु वो उस किताबी पढ़ाई को ही अपनी पूरी सब कुछ समझ ले रहा है, उसी पे उसे अभिमान है। पढ़ाई कोई किताबी पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो सकती है, वो तो ठीक है आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ के आप ज्ञाता हो सकते हैं, ठीक, परंतु पूरा ज्ञान तो आपको हो ही नहीं सकता है। तो हर बच्चा पढ़ा लिखा है, क्या है, एमए है, बीए है, ठीक है, अच्छे छोटे छोटे सब्जेक्टों से वो जो है हल्के सब्जेक्टों से पास कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब माँ बाप तो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों से पूछते हैं क्या है बेटा, वो कहते हैं जी दिल्ली जाने वाला चाहिए। महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लड़कियों की, तो इस कारण जो लड़के करने वाले हैं वो बेचारे इस खेती के काम को नहीं कर पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो लड़कियां किस तरह से इसमें अपनी सहयोगिता कर सकती हैं? देखिए, उन्हें सोचना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, जीवन क्या है। पहली बात तो आती ना, जीवन हम जी किस लिए जी रहे हैं, तो ये एक सोच होनी चाहिए। आज का आदमी भोगवादी हो गया, तो उसका जीवन बेसिकली जो लड़की सोच रही है कि मैं रहूं, किसी घर में जाऊं और वहां सारे नौकर चाकर हों और मैं भोजन करूं और टॉयलेट करूं, इसके सिवा एक पशु से बदतर अपना जीवन वो बना रही है, तो उससे आगे की उसकी सोच नहीं है कि मैंने क्या करना, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मतलब किसानी में जो है, एक आपने विवाह का होता है, एक जानवरों का और इस तरह का, एक और चीज़ है मैं देखता हूँ वो लड़कों में ज़्यादा है, नशे की प्रवृत्ति, खासकर जो देखिए जो भांग से उत्पन्न, देखिए अगर काम नहीं है तो मन जो है, अगर खाली मन है तो वो बेकार हो जाता है। स्कूल के बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ आजकल। कारण ये है कि देखिए समाज के अंदर जो पेरेंट्स है वो उतना जागरूक नहीं है, और समाज भी उसमें एक भाई की जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, भाई बिन भाई हो उतना प्रीत, तो भाई खत्म हो चुका है समाज के अंदर। आज आप गांव में जाइए, कोई सयाना कोई छोटा बच्चा सयाने को सयाना नहीं समझ रहा। तो एक दौर हुआ करता था, हम जब स्कूल पढ़ा करते थे, अगर हमारे गुरुजी इस रास्ते जा रहे तो हम उस रास्ते जाते ही नहीं थे। तो आज समय आ गया, गुरुजी जो है बच्चे को जो है उससे इंजॉय ले रहे हैं, बच्चा गुरुजी से इंजॉय कर रहा है, तो वो जो एक गुरु शिष्य की परंपरा थी, जो एक सम्मान की परंपरा थी, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। जो एक टोकने की भी परंपरा थी ना समाज में, सारे टोकने की परंपरा थी, और बच्चों को जो है कोई बड़ा गार्जियन अगर कुछ कह देता तो उसे वो मानना पड़ता था, ठीक, वो उसके भले के लिए होती थी। परंतु आज अगर हम किसी के बच्चे से कह दें कि अगर तू भाई ये सिगरेट क्यों पी रहा है, या तू बीड़ी क्यों पी रहा है, या तू ये और जो नए नए जो है ड्रग्स जैसे पहाड़ों में आने लग गया है ये क्यों पी रहा है, तो वो कहेगा तेरा क्या पी रहा हूँ, तेरे बाप का क्या पी रहा हूँ। तो ये एक इसका मतलब क्या हुआ है, अगर उसके माँ बाप से भी कहेंगे तो वो उसके भी सीधे सीधे वही रिजल्ट है, भाई मेरा बच्चा है कुछ भी करे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था अगर कोई बच्चा गलत करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसके मुंह पर सीधे झापड़ पड़ती थी, तो उसे एक भय होता था कि यार समाज मुझे क्या कहेगा। फिर समाज क्या होता था पहले से, उसको अगर कोई बेसनी आदमी दुर्विचारी अगर गांव के अंदर रहता है तो उससे जो है समाज कटता था,
तो उससे लगता था कहीं मैं एकांत ना हो जाऊं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भाई भाई जो है इसका मेन कारण है भाई, अपने माँ बाप से भाई नहीं है बच्चे को, तो फिर वो समाज से क्या भाई करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो फिलहाल इतनी बातचीत करेंगे, काफी लंबी बातचीत हो गई है, तो काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और हम उम्मीद करते हैं आपका जो काम है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और तरक्की करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ रॉय भाई की बाइक पे, पीछे बैठा हूँ और वहाँ से आ गए हैं, काफी अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अभी आपको रोड का व्यू दिखाता हूँ बढ़िया, फिर बाद में बात करेंगे कि क्या कुछ हासिल हुआ वहाँ जाके डंगुआ जी के यहाँ जाके। तो जी ये है पाथली बगड़ की तरफ अभी हम जा रहे हैं, काफी सुंदर सा रास्ता है, दोनों ओर जंगल है और बीच में पतली पतली सड़क, पहाड़ी सड़क अपनी। देखो भैया घास हो रही है खूब, इनको घास ही दिख रही है क्योंकि इनका काम है गौ पालन का, तो इनको घास दिख रही है बस, जिसका जो काम होता है वो उसी पर ध्यान देता है ना। हमारे जो सस्ते कबीर सिंह है रोय नेगी, अब यहाँ से सोमेश्वर जाएंगे नेगी, नेगी की यहाँ खाएंगे भात, अगर भात नहीं होगा तो कुछ और खा लेंगे। तो दोस्तों यहीं से ब्लॉग शुरू किया था आज का और यहीं पे खत्म हो रहा है, अभी बज गए 4:30। सोमेश्वर आते आते हमें हो गए थे 3:30 और हम सोच रहे थे कि नेगी जी के यहाँ पे भात खाएंगे, भात हाथ हो गया था खत्म, तो भात वात कुछ नहीं खाया, बस तो हल्का फुल्का चाट, वो क्या बोलते हैं, बोले चाट वाट खा लिया था कुछ, जैसे समोसा वमोसा खा लिया, टिक्की समोसा खाया था, क्या खाया था पता नहीं, और मोमोज खा लिए थे बहुत दिनों बाद मोमो ठिके पे। तो अभी 4:30 हो गए हैं और आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राजू नेगी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे डेली ब्लॉग की जगह, मतलब डेली ब्लॉग के अलावा भी जो हमारी डेली लाइफ होती है उसके अलावा भी जो आसपास लोग काम कर रहे हैं वो बहुत कुछ आएगा, जैसे ही